नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। इस वीडियो में हम महान सम्राट विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे, तो विश्वलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत में चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जिसका कि संपूर्ण भारत में राज रहा है। ऋषभ देव के पुत्र राजा भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके नाम पर ही इस अजना भखंड का नाम भारत पड़ा। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य भी चक्रवर्ती सम्राट थे। विक्रमादित्य का नाम विक्रम शयन था। विक्रम वेताल और सिंहासन 32 की कहानियाँ महान सम्राट विक्रमादित्य से ही जुड़ी हुई है। विक्रम संवत के अनुसार विक्रमादित्य आज से 2288 वर्ष पूर्व हुए थे। नाभोवाहन के पुत्र राजा गंधर्व शयन भी चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा गंधर्व शयन का एक मंदिर मध्य प्रदेश के सोनकच्छ के आगे गंधर्वपुरी में बना हुआ है। यह गांव बहुत ही रहस्यमय गांव है। उनके पिता को महेंद्रादित्य भी कहते थे। उनके और भी नाम थे, जैसे गर्दभिल्ल, गर्दववेश। गंधर्व शयन के पुत्र विक्रमादित्य और भर्तृहरि थे। विक्रम की माता का नाम सौम्य दर्शना था, जिन्हें वीरमती और मदनरेखा भी कहते हैं। उनकी एक बहन थी जिसे मैनावती कहते थे। उनके भाई भर्तृहरि के अलाका संघ और अन्य भी थे, और उनकी 5 पत्नियां थीं, मलयावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चैल और चिल्ल महादेवी। उनकी 2 पुत्र विक्रमश्रेत और विनयपाल और 2 पुत्रियां प्रियंगुमंजरी या फिर विद्योत्मा और वसुंधरा थी। गोपीचंद नाम का उनका एक भांजा था। प्रमुख मित्रों में भट्टमात्र का नाम आता है। राज पुरोहित त्रिविक्रम और वसुमित्र थे। मंत्री भट्टी और बहसिंधु थे। सेनापति विक्रम शक्ति और चंद्र थे। और कली काल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उन्होंने 100 वर्ष तक राज किया। विक्रमादित्य भारत के प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके दरबार में नवरत्न थे। मैंने उनके नवरत्नों के बारे में वीडियो भी बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी थे और उन्होंने शकों को परास्त किया था। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हालचाल जानने के लिए अपना अलग वेश धारण कर नगर भ्रमण करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कार्य करते थे। इतिहास में वे सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने जाते हैं। और कहा जाता है कि मालवा में विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि का शासन था। भर्तृहरि के शासन काल में शकों का आक्रमण बढ़ गया था। भर्तृहरि ने वैराग्य धारण कर जब राज्य त्याग दिया तो विक्रम सेना ने शासन संभाला और उन्होंने ईसा पूर्व 57-58 में सबसे पहले शकों को अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कर अपने राज्य के विस्तार का आरंभ किया। विक्रमादित्य ने भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति कराने के लिए एक बृहत्तर अभियान चलाया। कहते हैं कि उन्होंने अपनी सेना की फिर से गठन किया। उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाई गई, जिसने भारत की सभी दिशाओं में एक अभियान चलाकर भारत को विदेशी और अत्याचारी राजाओं से मुक्ति कर एक सत्र शासन को कायम किया। और कलण के राज तरंगिनी के अनुसार 14 ईस्वी के आसपास कश्मीर में अंध्र युधिष्ठिर वंश के राजा हिरण्य और निसंतान मर जाने पर अराजकता फैल गई, जिसको देखकर वहां के मंत्रियों की सलाह से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को कश्मीर का राज्य संभालने के लिए भेजा था। नेपाली राजवंशावलियों अनुसार नेपाली के राजा अंशुवर्मन के समय ईसा पूर्व 1 शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल आने का उल्लेख मिलता है। राजा विक्रम का भारत की संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के ग्रंथों में विवरण मिलता है। उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों की अनेक गाथाएं भारतीय साहित्य में भरी पड़ी हैं। नवरत्नों को रखने की परंपरा महान सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई है, जिसके तुर्क बादशाह अकबर ने भी अपनाया था। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम हैं धनवंतरी, स्वप्ना का अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, गर्खरपर, कालिदास, ब्राह्मीर और वर्रुषि कहे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने नवरत्नों पर वीडियो एक बना रखी है, लेकिन उस वीडियो में इतना सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, उनकी पूरी विशेषता के बारे में बताया हुआ है। लगभग वो वीडियो 10-11 मिनट की हो सकती है। आप मैं हो सकेगा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे।